सुना, आवर टॉपिक इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से वर्ड से पकड़ो, पॉली मतलब कई सारे, जेनिक मतलब जीन। ऐसे कैरेक्टर का इनहेरिटेंस जो एक कैरेक्टर कई सारे जीन से रेगुलेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और यहां पर हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो कैरेक्टर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टर। बट मुझे कोई बच्चा बताओ जल्दी से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव कैरेक्टर एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर, क्वालिटेटिव कैरेक्टर यानी कि एक भी अगर डोमिनेंट एलील है सर, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। और क्वांटिटेटिव एलील सर, क्वांटिटेटिव में सर देखेंगे कि नंबर कहाँ पे ज्यादा है, नंबर पे डिपेंड करेगा सर। क्या नंबर पे डिपेंड करेगा? एक्सप्रेशन, एलील का एक्सप्रेशन। गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हो। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में एक्सप्रेशन का फॉर्म नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करेगा, और क्वालिटेटिव कैरेक्टर में एक्सप्रेशन का फॉर्म नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड नहीं करेगा। यह है एक्चुअल बात। उसका एक्सप्रेशन तो दोनों में ही होना है, डोमिनेंट एलील आए तो एक्सप्रेशन तो दोनों ही हो रहा है। एक्सप्रेशन का फॉर्म मतलब वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, अगर वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर, अगर डिपेंड कर रहा है तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि एक जी सॉरी एक कैरेक्टर को कई सारे जीन मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज दैट, ऐसा तो मल्टीपल एलील में भी होता था, याद करो ब्लड ग्रुप 3 जीन से रेगुलेट होता था, याद है? तो भाई वहां मल्टीपल एलील का भी तो यही फंडा था ना कि एक कैरेक्टर को कई सारे जीन रेगुलेट करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को। फिर आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने वर्ड ले आया कि एक कैरेक्टर को कई सारे जीन रेगुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या? जब दोनों दोनों में यही हो रहा है कि एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन रेगुलेट कर रहे हैं, तो फिर दो अलग अलग टॉपिक हेडिंग डाल के क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करें, फाड़ दें पॉलीजेनिक मल्टीपल एलील, जैक कॉपी में फाड़ दें आज, गलत पढ़ा दिया, यही पढ़ाना था, या ये नहीं पढ़े भाई? वो भी तो वही है मल्टीपल जीन इंट्रेक्शन, ये भी मल्टीपल जीन इंट्रेक्शन ही है। दोनों में तो एक, एलील को नॉन एलील कर, हाँ यही डिफरेंस है कि वो हम पढ़े थे अलीलिक जीन इंटरेक्शन में, वहां मानते हैं कि एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन रेगुलेट कर रहा था, ये बात सच है, लेकिन वो सारे जीन एक्चुअली अलीलिक जीन थे, यानी कि एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट्स थे। यहां जो हम बात कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन रेगुलेट कर रहा है, ये सारे जीन नॉन अलीलिक जीन है, अलीलिक जीन नहीं है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। अच्छा, तो इससे एक फंडा पड़ा बता सकते हैं, बोलो क्या? मल्टीपल एलील्स में इन्वॉल्व होने वाले एक कैरेक्टर को जो एक से अधिक जीन रेगुलेट कर रहा है, इन्वॉल्व होने वाले क्या सारे के सारे अलील एक सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं? यस सर, प्रेजेंट हो नहीं हो सकते हैं। सकते, नहीं हो सकते। फिर क्या पढ़े मल्टीपल एलील्स? आंख बंद करके आंसर नहीं देना होता है, मैंने उसी दिन समझा दिया था। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो ही अलील आ सकता है मैक्सिमम, और अगर एक कैरेक्टर को लेट करने वाला दो से अधिक अलील है तो एक सिंगल इंडिविजुअल में सारे अलील कैसे आ जाएगा जी? फिर आप मल्टीपल एलील में कैसे बोले कि पॉपुलेशन स्टडी इसेंशियल है, जब बातें कर रहे हो? कुछ भी आंख बंद करके आंसर दे देना है। हाँ बोलो राय, सॉरी, एक एक इंडिविजुअल में कैसे आ जाएगा सारा अलील अगर डिप्लॉयड है तो? नो सर, नहीं आएगा। आंख बंद करके आंसर नहीं दिया दिया जाता है, कुछ भी सोचा करो पहले क्या बोल रहे हो। अगर मल्टीपल एलिलिज्म है तो सारे अलीलिक जीन है, एक इंडिविजुअल में अलीलिक जीन का दो ही लोकस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो उसके लिए पॉपुलेशन स्टडी फिर इसेंशियल है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले कई सारे जीन है, तो क्या यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले कई सारे जीन एक सिंगल इंडिविजुअल में पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है? यस सर, पाया यस जा सर, सकता है। यहाँ पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन एलिलिक जीन है, और नॉन एलिलिक जीन वो होते हैं जो सेम लोकस पर डिफरेंट क्रोमजोम पर भी हो, या सेम क्रोमजोम पर डिफरेंट लोकस पर भी हो। तो ऐसे तो कई सारे सिचुएशन है हमारे बॉडी के अंदर, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इन जनरल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करने वाले जीन हर इंडिविजुअल के अंदर होते ही होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए पॉपुलेशन स्टडी इसेंशियल नहीं है। तो अभी तक मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, इफ मोर देन वन नॉन एलिलिक जीन रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
एंड दिस वन कैरेक्टर इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव कैरेक्टर वेयर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील. मल्टीपल एलीलिज्म और मल्टीपल जीन इंटरेक्शन मतलब की पॉलीजेनिकनेस, दोनों में मेनी जीन रेगुलेट्स वन कैरेक्टर, बट इन मल्टीपल एलीलिज्म ऑल जीन आर एलीलिक जीन, सो ऑल जीन कैन नॉट प्रेजेंट इन वन सिंगल ऑर्गेनिज्म. While in multiple gene interaction, that is the polygenic instance, all the gene are non-allelic gene. So all genes will be present in one organism. यही difference है. ये तो non-allelic gene में बोल रहा हूँ, ये तो non-allelic gene बोल रहा हूँ. ये क्या है? Differences है multiple allelism और polygenic के बीच में, कि यहाँ non-allelic वहाँ allelic. Similarity क्या है दोनों में? मल्टीपल एलील और पॉलीजेनिक में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है, सिंगल करैक्टर मेनी जीन, सिंगल करैक्टर मेनी जीन, ये सिमिलैरिटी है. मगर ये एलीलिक मल्टीपल एलील और वो नॉन एलीलिक जीन, ये डिफरेंसेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और रही बात क्वांटिटेटिव करैक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे अगर करैक्टर का फॉर्म डिपेंड कर रहा है, मींस ईच डोमिनेंट एलील का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, अपना एक प्रोपोर्शन है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर. मींस फिनोटाइप नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से अफेक्टेड होगा. इतना ही नहीं, फिनोटाइप एनवायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है केवल जीन के रहने मास से एक्सप्रेशन नहीं आता, एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है. और जहां पर एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला एक से अधिक जीन है, तो उन सभी जीन के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर देंगे एक सिंगल कैरेक्टर को. सो दैट इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी सेंसिटिव. क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला एक सिंगल जीन है, तो एक सिंगल एनवायरमेंटल फैक्टर ही आपके पिक्चर में आ रहा है. लेकिन अगर एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले कई सारे जीन हैं, तो उन कई सारे जो जीन हैं, सभी का एनवायरमेंटल कंडीशन का जो सीन है वो आपकी पिक्चर में आएगा. तो इसीलिए एक सिंगल जीन का भी अगर एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट हो गया, तो आपका कैरेक्टर इफेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जब कई सारे मल्टीपल जीन मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है. थोड़े से एनवायरमेंटल फैक्टर बदलने से भी कैरेक्टर का फॉर्म बदल सकता है. ये बात भी. अब हम बता रहे हैं कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है. क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले बोल दिया, एक्सप्रेशन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट. क्यों? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं मल्टीपल जीन है, उन सभी के एनवायरमेंट का अपना अपना एनवायरमेंट है, और अगर किसी एक का भी एनवायरमेंट बदला कैरेक्टर अफेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये एनवायरमेंटल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है. रही बात, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करता है, तो मुझे जल्दी से बता दो कैरेक्टर का सबसे बढ़िया फॉर्म, यानी कि बोल सकते हो आप डोमिनेंट फॉर्म, कैरेक्टर का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा? जब उस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले सारे के सारे जीन के सारे डोमिनेंट एलील एक साथ प्रेजेंट हो, तो आप कहेंगे कि उस कैरेक्टर का मैक्सिमम एक्सप्रेशन आ रहा है, क्योंकि सारे डोमिनेंट एलील आ गए. तो मुझे जल्दी से बता दो कि उस कैरेक्टर का कब मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा? उस कैरेक्टर का होमोजाइगस होगा जब उस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले सारे के सारे जीन के अलील रिसेसिव हो, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो, तब मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा. तो मुझे जल्दी से बता दो कि इस मिनिमम एक्सप्रेशन और मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बीच में जो होगा, क्या आप उसको इंटरमीडिएट फॉर्म्स बोलेंगे? और इंटरमीडिएट में भी कैसा इंटरमीडिएट आएगा, बढ़िया या खराब, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर, और एज वेल एज एनवायरमेंटल कंडीशन पर. मैं फिर कह रहा हूं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आज मच अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर एज कंपेयर्ड विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टर. क्योंकि क्वालिटेटिव कैरेक्टर इन जनरल क्या होता है, एक सिंगल जीन से अफेक्टेड होता है, तो वहां पर जनरली क्या होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर एक ही होता है, तो उससे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है. ठीक है, रही बात कि इस ये जो फिनोमेना आप पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको सबसे पहले स्टडी किया था किसने? कॉलरेचर ने, और जे कॉलरेचर ने और एटोवे को प्लांट पे काम किए थे. मगर जे कॉलरेचर ने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, बाद में डिटेल स्टडी करने वाले थे नीलसन और अहले. याद रखना फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला गया कॉलरेचर को, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही ये टॉपिक स्टडी किया था. लेकिन डिटेल स्टडी उन्होंने नहीं किया है, डिटेल स्टडी किया नीलसन अहले ने. और इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर के स्टडी किया है. वन इज कोरोला लेंथ, कोरोला समझते ना, कैलिक्स कोरोला जो मैंने पढ़ाया था,
टोबेको प्लांट में जो कोरोला का लेंथ होता है टोबेको प्लांट में, ठीक है, उसके लेंथ पर स्टडी किया था, और कर्नेल कलर ऑफ वीट, अभी इसको हम डिटेल में लेंगे, कर्नेल क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे सीड है ना गेहूं, ये गेहूं है, मान लो ये अंदर में ये लाल लाल है और बाहर से क्या है कवरिंग है, ये बाहर से क्या कवरिंग है, तो ये गेहूं है पूरा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस कवरिंग को हटा, अभी ये सीड है, ये अभी पूरा सीड है, अब आप क्या करो इसको हटा दो, तो ये बचा ना अंदर वाला पार्ट, इसी को कर्नेल कहते हैं। उन्होंने इस कर्नेल कलर पे स्टडी किया था, किसने, निल्सन एहले ने, अभी हम स्टडी हम भी करेंगे, तो कर्नेल कलर पे स्टडी किया था निल्सन एहले ने, तो डिटेल स्टडी उन्होंने किया, ठीक है। अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी है तो मुझे जल्दी से मेरे कुछ सवालों का जवाब आप दे दीजिए, और आप बताइए कि कौन सा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस, कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर, कौन से पर्टिकुलर टाइप के इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब आपके सामने मैं यहाँ पे चार अलग अलग इनहेरिटेंस लिखा हूं, अब आप देख लीजिए कि मैंने कौन कौन इनहेरिटेंस लिखा है और आप लोग को आंसर बताना है। फर्स्ट वन आपके सामने है मोनोजेनिक इन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, मतलब एक सिंगल जीन से रेगुलेट हो रहा हो मगर क्वालिटेटिव हो, सोच कर बताओ ये किसकी बात हो रही है। मेंडेलियन जेनेटिक्स का, मेंडेलियन बात हो रहा है, मेंडल इन जनरल यही बात करते थे कि एक कैरेक्टर एक जीन से रेगुलेट हो रहा है, और तभी तो, अरे तभी तो आप डायहाइब्रिड के क्वेश्चन को भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न में सॉल्व करते थे, तभी तो आप ट्राइहाइब्रिड के क्वेश्चन को भी आप मोनोहाइब्रिड पैटर्न में सॉल्व करते थे, मतलब पूरी की पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स मोनोजेनिक क्वालिटेटिव कैरेक्टर इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। नेक्स्ट, ये तो हो गया मेंडेलियन जेनेटिक्स, नेक्स्ट मुझे बताओ मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल, आप पहले पढ़ चुके हैं, एक सिंगल कैरेक्टर रेगुलेट होता था एक सिंगल जीन से, याद करो मिराबिलिस दलापा में फ्लावर कलर, लेकिन एक्सप्रेशन का फॉर्म नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता था, मगर एक सिंगल जीन रेगुलेट ही करता था, तो इसलिए एग्जांपल किसका था मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का। नाउ मुझे जल्दी से बता दो पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, not polygenic quantitative, qualitative, जल्दी multiple एलिस नहीं होगा, polygenic qualitative जब मैंने बोल दिया तो number of dominant qualitative है ना, तो बात यहाँ ये है कि वहां पर आपको different जीन के बारे में सोचना है, एक ही जीन के different एलील के बारे में नहीं सोचना, polygenic का मतलब कई सारे जीन ना कि कई सारे एलील, तो अभी आपने जितना भी नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन में अभी तक आपने जो पढ़ा था वो एग्जांपल है पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का। चलो अब मुझे लास्ट बता दो जल्दी से पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का कौन सा इनहेरिटेंस है इंटरेक्शन, अभी जो आप पढ़ने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो इसी का एग्जांपल है। तो ये चारों एग्जाम में कई बार आता है, बच्चे छत पे दौड़ लगा के सुबह सुबह याद करते हैं और एग्जाम में जाने पर भूल जाते हैं, आपको याद नहीं करना, आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक और आप चीजों को समझ चुके हैं। मोनोजेनिक क्वालिटेटिव मेंडेलियन जेनेटिक्स, मोनोजेनिक क्वालिटेटिव इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद करो मैंने बताया भी था, पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन एक्सेप्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसको कॉमनली बोलते हैं मल्टीपल जीन इंटरेक्शन। तो ये रहा आपका डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, आपको एटलीस्ट पहले सारे एग्जांपल याद रखने हैं और एटलीस्ट दो एग्जांपल के इनहेरिटेंस और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों याद रखने हैं। पहले तो कई सारे एग्जांपल, जैसे हमारा स्किन कलर होता है, स्किन कलर जो होता है थ्री जीन से रेगुलेट होता है, और मैं आपको बता दूं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा स्टडी किया गया कैरेक्टर जो है वो ह्यूमन स्किन कलर ही है। इसका कारण ये है कि प्राचीन काल से ही ह्यूमन में स्किन कलर को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव रहा है। आज तो खैर ठीक है हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर गए, ठीक है पढ़ लिख लिए, लेकिन प्राचीन काल में स्किन कलर को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, आज भी होता है कुछ सोसाइटी में, आज भी होता है, धीरे धीरे अब टैलेंट पे लोग भरोसा देने करने लग गए। पहले तो ये होता था लड़का गोरा होना चाहिए लड़की गोरी होनी चाहिए, अब ये चीज ट्रेंड खत्म हो रही है धीरे धीरे, अब ये देखा जाता है कि लड़का कितना टैलेंटेड है, लड़की कितना लेबोरियस है, लड़की कितना ओबीडियंट है, लड़की कितना टैलेंटेड है।
तो ये देखा जाता है। मगर हमारे प्राचीन काल में स्किन से रिलेटेड कई सारा भेदभाव हुआ स्किन कलर से रिलेटेड, इसलिए लोगों ने इसका साइंटिफिक रीजन भी ढूंढने का प्रयास किया, तब जाके पता चला कि स्किन कलर टोटल 3 जीन से रेगुलेट होता है। अभी इसका इनहेरिटेंस भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट को भी बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है, क्योंकि ह्यूमन हाइट को भी लेके बहुत सारा ये रहा है हमारे समाज में भेदभाव कि ये छोटा वो बड़ा, तो ये मतलब कि ये प्राचीन काल में तो खैर बहुत ही रहा, आज तो खैर ये चीज नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे भी धमाल कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे हाइट के पर्सन भी धमाल कर रहे हैं। तो ह्यूमन हाइट के भी बारे में खूब सारी स्टडी जेनेटिकल स्टडी की गई है, ठीक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ह्यूमन इंटेलिजेंस। प्राचीन काल में इसका दबदबा नहीं था, लेकिन आज के काल में इसी का दबदबा है। आज के काल में यह नहीं देखा जाता है किसका स्किन कलर ज्यादा बढ़िया है, किसका हाइट ज्यादा बढ़िया, आज की डेट में यह देखा जाता है कौन इंटेलिजेंट ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा इंटेलिजेंट के लिए टोटल 25 जीन मिलकर रेगुलेट करता है हमारे इंटेलिजेंसी को। यस, इंटेलिजेंसी इज जेनेटिकली डिसाइडेड। यस, इंटेलिजेंसी इज जेनेटिकली डिसाइडेड। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको माता पिता से इंटेलिजेंस का सारा डोमेंट एलील आ गया तो आप तेज हो ही जाएंगे। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर आपको माता पिता से सारे के सारे डोमिनेंट एलील नहीं आए, मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन आ पाया माता पिता मिला के, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है। कोई बता सकता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब नंबर ऑफ डोमिनेंट क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है भैया, क्वांटिटेटिव का एग्जांपल तो पढ़ा ही रहा हूं मैं, 25 जीन से रेगुलेट हो रहा है, बता रहा हूं। केवल जीन के रहने मात्र से एक्सप्रेशन नहीं बनता, एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल नहीं एज वेल एज इंटरनल। आपको मान लो कि 25 जीन है तो टोटल कितने नहीं लोगे एक पर्सन के अंदर इंटेलिजेंसी का, जल्दी से बताना। 50 में 25 किससे आएगा? फादर से। 25 किससे आएगा? मदर। मान लो 50 आ गया फादर से, 25 आ गया मम्मी से डोमिनेंट, 25 आ गया पापा से डोमिनेंट, तो 25 के 25 और 25 का 25 यानी कि 50 का 50 अलील आपको इंटेलिजेंसी के डोमिनेंट मिल गए। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप आइंस्टीन बन जाएगा, इसका यह कतई मतलब नहीं है। अब आप उसको यूज कैसे कर रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है। अब आपको बचपन से सिखाया गया लिपस्टिक लगाने, पाउडर लगाने, हेयर कटिंग करने के लिए, तो आप उसी में अपना इंटेलिजेंसी दिखा सकते हैं। आपको बायोलॉजी का किताब का कोई इंटेलिजेंसी पता नहीं होगा। आपको टिकटॉक का वीडियो बनाने सिखाया गया, कैसे टिकटॉक में रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे किधरे, काजल लगाएंगे, ये सब लगाने के लिए आपको बचपन से सिखाया गया। तो आपका वो डोमिनेंट एलील वर्क तो कर रहा है, दिन रात सोचने के लिए प्रोटीन बना रहा है, एफिशिएंसी देने के लिए प्रोटीन बना रहा है, मगर आप उसका एनवायरमेंट कैसा दे दिए, लिपस्टिक लगाना है तो कौन डिजाइन मारना है, काजल लगाना है तो कौन डिजाइन मारना है, एक मिनट में कितना बार बाल ऐसे करना है, इन सब चीजों में आप ध्यान लगा दिए, आपका डोमिनेंट एलील बेकार हो गया, आपका जिंदगी झंड हो गया, आप डोमिनेंट एलील लेके भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाए। और हमारा सोसाइटी इन चीजों को इंटेलिजेंट नहीं मानता है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस इज व्हाट, दिए गए एनवायरमेंट में आप कितने मल्टीपल टैलेंट दिखा सकते हैं, दिस इज इंटेलिजेंट, दिस इज इंटेलिजेंस। केवल पढ़ना भी इंटेलिजेंस नहीं है, ये सब थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट है, केवल पढ़ाई करना भी इंटेलिजेंस नहीं है। अभी मैं यहां पढ़ा रहा हूं और कल को यहां मेरे इस कमरे में आग लग जाए और मैं यहां पर रोने लग जाऊं, मैं यहां पर बिलखने लग जाऊं, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट इंटेलिजेंट। इसका मतलब मुझे केवल किताबी कीड़ा है, मैं केवल किताबी कीड़ा हूं, मुझे किताबी ज्ञान है। कल मैं रास्ते में चल रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, दूर दूर तक कोई नहीं है, फोन भी किसी को लगा रहा हूं तो वो फोन नहीं उठा रहा है और मैं रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, रोते रोते मर गया, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। आपको दिए गए एनवायरमेंट में आप कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितना चीफ एंड बेस्ट तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं, दिस इज इंटेलिजेंस। आपका मल्टी डायरेक्शनल सोच होना चाहिए, ये नहीं कि हम केवल किताबों पर टिके हैं, ये नहीं कि केवल लिपस्टिक लाने पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फैशन ना करें, वो भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है, वो भी एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। ये नहीं कि दिन रात हम किताब पढ़ रहे हैं, कल को फ्रेशर पार्टी हुआ, फेयर पार्टी हुआ, वही भोंदू वाला ड्रेस में चल गए, तो वो भी आपके इंटेलिजेंस का पार्ट था, वो भी इंटेलिजेंस का पार्ट था। उस दिन आपको सबर के सच में जाना था क्योंकि वो एक इवेंट था, लाइफ का एक पार्ट था, बाकी दिन आपको पढ़ाई करनी थी।
रूम में जब आग लगी तो उसको कैसे हैंडल करना था कि कम नुकसान हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। छोटे जब बदमाशी कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से कूटना है, और जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको किस तरीके से साहस देना है, उसको प्यार भी करना है कूटना भी है, दोनों का मिक्सर देना है, दिस इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट लाइक बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज, इट्स ओवरऑल सर्वाइवलनेस, कि आप दिए हुए एनवायरमेंट में किस तरीके से ओवरऑल सर्वाइव कर पा रहे हो, दिस इज इंटेलिजेंस। तो बचपन से आप, भैया एक बात बताओ, आपको 25 दिन क्यों दिया गया है? 25 दिन का मिलकर किताबें पढ़वाएगा है? 25 दिन मिलकर किताबें नहीं ना पढ़वाएगा जी, 25 दिन दिया गया तो मतलब ओवरऑल इंटेलिजेंस के लिए दिया गया है। तो अब आपको सोचना है कि हमको किताब में भी इंटेलिजेंट रहना है, हमको परीक्षा में भी इंटेलिजेंट रहना है, वाइवा में भी इंटेलिजेंट रहना है, डिसिप्लिन में भी रहना है, फैशन में भी रहना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में भी रहना है, मतलब हर चीज में रहना है, तब मानेंगे कि आप 25 का 25 डोमिनेंट एलील का फायदा उठा पा रहे हैं। और अगर 50 मिल गया बाय चांस तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा, अभी अभी आपने 2 दिनों पहले सुना होगा, 2-3 दिनों पहले अपने बिहार का नालंदा का एक छोटा सा बच्चा सुन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं देखता हूं तो मुझे, मैं दंग रह जाता हूं वीडियो में उसका, 3 दिन से केवल उसी का वीडियो देख रहा हूं। डायरेक्ट सीएम नीतीश कुमार से जाके बोल रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको हमारे उप मुख्यमंत्री जो पहले थे पुराने सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने बोला कि तुम ये खुलेआम शिकायत कर रहे हो एक टीचर की, क्या नाम ले रहा था टीचर का, नीरज सर शायद नाम ले रहा था, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ठीक है, स्कूल में उनका नौकरी किसने लगवाया पता नहीं, तो उनको बोला उन्होंने कि तुम खुलेआम मीडिया में उनका नाम ले रहा हो, कल को तुमको स्कूल से निकाल देंगे, तो कितना बड़ा जवाब दिया उसने पता है, क्या जवाब दिया कि स्कूल से निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अभी भी स्कूल जाकर क्या सीखने को मिल रहा है, दिस इज इंटेलिजेंस। वो इतनी कम उम्र में ये कोरिलेट कर पा रहा है कि ऐसे भी स्कूल में जाके कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे भी स्कूल में टाइम पास हो रहा है, तो अगर हम बुराई कर रहे हैं देश से कुछ अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आया तो आया, तो आया, नहीं आया तो वैसे भी हम निगेटिव में ही है, वैसे भी घाटे में ही है, दिस इज इंटेलिजेंस। अब ये सोचो कि उसके माता पिता दोनों पढ़ाई लिखाई से उनका कोई दूर दूर से नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन उसने अपने दिए हुए डोमिनेंट एलील का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है, और उसका कारण क्या है कि वो 40-50 बच्चों को इस उम्र में, 11 साल की उम्र में 40-50 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है बैठा के, खुद 5 क्लास का बच्चा है और 8th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक ऑल स्कूल के बच्चों को, प्राइवेट हो या सरकारी, और 5 to 8 सरकारी स्कूल के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता है। अब सोच कर देखो कि एक 11 साल का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा इतना बड़ा काम को अंजाम दे रहा है, दिस इज इंटेलिजेंस। और वो केवल पढ़ा नहीं रहा, वो ओवरऑल कितना मीडिया उसका इंटरव्यू ले लिया, मुझे दंग रह गया मैं देखते हुए, एक बिहार का पॉपुलर मीडिया है मनीष कश्यप जी, वो उसकी गाड़ी पे चढ़ गया और उसको वो लोग शिक्षा देने के लिए कहीं ले जा रहा था, वो उतरने के लिए तैयार नहीं था, उसकी माँ बोल रही है कि 2 दिन के लिए घर में रह जाओ, वो मीडिया को कहता है कि मेरी माँ से ये पूछ लो बस कि 2 दिन में रह के मुझे घर में कौन सा काम करना है, अगर माँ बता देगी तो मैं रुक जाऊंगा। माँ कहती है कि कोई काम नहीं है, बस 2 दिन रुक जाओ। उसका जवाब रहता है कि जब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो हम ये 2 दिन यहाँ क्यों बर्बाद करें, हम वहां आज जाएंगे तो वहां 2 दिन हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे। भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जवाब सुन के, कि भाई साहब 11 साल की उम्र में इतना बड़ा थिंकिंग आम लोगों का नहीं होता। इसको कहते हैं डोमिनेंट एलील का इस्तेमाल करना। लोग वाक तो यहाँ क्लास छोड़ के मनाली जा रहे हैं, लोग वाक तो क्लास छोड़ के पबजी खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के, कह रहे जिंदगी जुनू दोबारा ना मिले, कोरोना आ जाएगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, पहले जी लेता हूं, पता नहीं जिंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और भाई साहब 11 साल की जिंदगी में कमाल कर रहा है, सोच कर देखो कि क्या चल रहा है दुनिया में। और तुम कहते हो कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, पिताजी उसका शराबी है, उसको कौन सा फैसिलिटी है, 40 बच्चों को पढ़ा के कुछ पैसा निकालता है और इतने दिनों में वो उसने इतना बड़ा हिम्मत जुटा लिया, सोच कर देखो जरा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट डिसाइडेड बाय जेनेटिक काउस। हाँ ठीक है, जेनेटिक काउस से डिसाइडेड होता है, आपका किस्मत इतना भी खराब नहीं है कि पूरा का पूरा 50 का 50 एलील रिसेसिव ही आ जाएगा, इतने भी बुरे नहीं हुआ, इतना भी दिन बुरा नहीं आया आपका, कुछ ना कुछ तो डोमिनेंट एलील आ ही जाएगा। और चलो मान लेता हूं यार रिसेसिव आ जाए सारा का सारा, क्या आपको ये पता है कि रिसेसिव आने के बाद भी एक मिनिमम एक्सप्रेशन होता है, यस और नो। और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है
कि अगर इंटेलिजेंस का सारा रिसेसिव एलील भी आ जाएगा तो उस पर्सन को नॉर्मल सर्वाइवलशिप में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, नॉर्मली वो सर्वाइव कर सकता है, आराम से कर सकता है। आया समझ में? दिस इज इंटेलिजेंस। अब आप पे डिपेंड करता है कि पता तो नहीं है कि आपके माता पिता आपको कितना डोमिनेंट एलील दिए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता में से कोई एक बंदा भी इंटेलिजेंट है तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि आप में होमोजाइगस रिसेसिव तो नहीं होगा यार, डोमिनेंट तो हो। अगर पिताजी किसी भी किसी मैनर में टैलेंट हो, इंटेलिजेंट हो, माताजी किसी न किसी मैनर में इंटेलिजेंट हो, तो आपके अंदर वो जीन इंटेलिजेंसी तो लाएगा, डोमिनेंट तो आएगा। अब लेकिन केवल आने से नहीं होता है, अब आपके अंदर डोमिनेंट आ गया और अब बनना चाह रहे हैं कसाब, तो डिपेंड करता है कि आप कसाब बनना चाह रहे हैं या अब्दुल कलाम बनना चाह रहे हैं। कसाब अब्दुल कलाम दोनों के अंदर इंटेलिजेंसी धुआंधार थी, बस कसाब दिमाग लगाता था किस तरीके से आतंक फैलाएं और कलाम दिमाग लगाते थे किस तरीके से शिक्षा को बदला जाए, देश और दुनिया को बदला जाए, समाज को बदला जाए। डिपेंड करता आप पे कि आप डोमिनेंट एलील का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा इंटेलिजेंस के बारे में मैं और ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, इतना ही बोलूंगा इंटेलिजेंसी जेनेटिकली डिसाइडेड होती है, ये सच बात है, ये सच बात है, मगर केवल जीन के आ जाने से, केवल एलील के आ जाने से आप इंटेलिजेंट हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, और सारा का सारा अगर बाय चांस रिसेसिव आ जाए तो आप इंटेलिजेंट ना कहला पाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंसी इज अ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, और उसका जेनेटिक काउज क्या है, टोटल 50 अलील है, 25 जीन है। तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आज मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आग लग जाए मैं किस तरीके से उसको हैंडल कर पा रहा हूं। आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा शख्स, आपका बहुत बड़ा करीबी आदमी आपको धोखा देके चला गया, आप लाइफ को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, दिस देन यू विल बी इंटेलिजेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आपको भी एक लोग धोखा दिए हैं, यकीन मानो आगे लाइफ में कई सारे लोग आपको धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर आप उसको कैसे फेस करोगे? अगर आप यहीं पे हार गए तो फिर उसको कैसे फेस करोगे? अभी तो कई सारे लोग आपको धोखा देने वाले हैं। आप एक आलोचना सुन के, आप एक बुराई सुन के इतना ज्यादा उतर रहे हो, उतावले हो रहे हो, अभी तो कई सारे लोग आपकी बुराई करने वाले हैं, फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे? ये सब इंटेलिजेंसी का पार्ट है। केवल किताबी नॉलेज गेन कर लेने से आप इंटेलिजेंट नहीं कहलाए जा सकते हैं, दिस इज ओवरऑल इंटेलिजेंसी। ओके चलिए, तो अब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स, कुछ गाय के बारे में आप सुने होंगे कि ये गाय का वैरायटी अच्छा है, वो गाय का वैरायटी अच्छा है, सुने होंगे जर्सी गाय है, फलाना गाय, टहकाना गाय। गाय का साइज भी सेम होता है, उम्र भी सेम होता है, फिर भी दूध डिफरेंट क्यों होता है? किसी में ज्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है, किसी का दूध का क्वालिटी भी अच्छा होता है, लेकिन क्वांटिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई 5 लीटर देती है तो कोई 10 लीटर भी देती है। दिस इज बेसिकली डिसाइडेड बाय जीन। अब मैं यहाँ पे जीन क्यों नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट काउ की वैरायटी में डिफरेंट डिफरेंट जीन है, इसलिए उसका नंबर नहीं लिख रहा हूँ। ऐसे बॉडी वेट, कई सारे ऑर्गन में बॉडी वेट, ह्यूमन में भी बॉडी वेट जो होता है जीन से डिसाइडेड होता है। मीट प्रोडक्शन इन एनिमल्स, कई सारे एनिमल में मीट का प्रोडक्शन, इवन ह्यूमन में भी आपके बॉडी में जो मीट फ्लैश बन रहा है इस जेनेटिकली भी डिसाइडेड होता है। फिर से वही बात, केवल जेनेटिकली नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डिसाइड करेगा। शेप साइज, कहते हैं ना कि इसका दादा से मुंह मिल रहा है, इसका नानी से मिल रहा है, इसका तो मौसी पे गया है, इस तरीके से कहते हैं, तो ये सब जेनेटिकली डिसाइडेड होता है बिल्कुल होता है। ये सब चीज आप आगे भी पढ़ोगे, अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे जेनेटिक्स को, ठीक है, शेप साइज वगैरह भी जेनेटिकली डिसाइडेड होता है। नंबर, किसी भी चीज का नंबर, हमारे अंदर भी 5 उंगली, हमारे पिता के अंदर भी 5 उंगलियां थी, हमारे अगले जेनेटिक्स में 5 उंगलियां आएगी, ये सब जेनेटिकली डिसाइडेड होता है, ठीक है। ऐसे वेट, फ्लावर, जैसे कि नंबर, वेट और नंबर ऑफ फ्लावर, जैसे प्लांट में फ्लावर का वेट क्या आएगा, कोई फ्लावर भारी होता है, कोई फ्लावर हल्का होता है, किसी फ्लावर का नंबर ज्यादा आता है, किसी का कम आता है, ये सब जेनेटिकली डिसाइडेड है, ये सब जेनेटिकली डिसाइडेड है। फ्रूट्स का नंबर और साइज, सीड्स का, ये प्लांट के अंदर भी कई सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, जेनेटिकली डिसाइडेड होते हैं। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जेनेटिकली कैसे डिसाइड, मतलब कौन कौन जेनेटिकली डिसाइडेड होने वाले कैरेक्टर हैं, और ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल। एक सिंगल कैरेक्टर को कई सारे जीन रेगुलेट। अब मैं अगली मीटिंग में इन दोनों कैरेक्टर को लेकर डिटेल स्टडी कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। विवेक, अगर तुम्हारा टाइम हो चुका है तुम जा सकते हो, कोई भारी भरकम ये क्रॉस नहीं है, रिकॉर्डेड देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चे आइए अगले मीटिंग में और बात करते हैं ह्यूमन स्किन कलर और ये वाला एक ऊपर में बताए थे ना, कर्नल कलर इन व्हीट प्लांट वाला, इन दोनों का हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मिलते हैं अगली मीटिंग में।